हाय दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग USB पेन ड्राइव से आप लोग कैसे कि विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। जैसे कि Lenovo का कोई भी लैपटॉप हो, उसका बूट मेनू की F12 ही होता है। जैसे कि ये मेरे पास लैपटॉप है जो कि i5 10th जनरेशन और थिंकपैड E14 करके है, और इसका बूट मेनू की F12 है। जैसे कि ये पेन ड्राइव में मैंने अभी विंडोज़ 10 बूटेबल बनाया है मैंने इस पेन ड्राइव को। पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे ISO फाइल को और फिर पेन ड्राइव में बना लेंगे। जैसे कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं ऑलरेडी, तो आप लोग कर सकते हैं पेन ड्राइव बनाने के लिए। और प्रॉपर तरीके से आपका शट डाउन होना चाहिए रिस्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू आपको F12 बटन प्रेस करना है। यदि आपका मशीन लैपटॉप शट डाउन है तो आपको ऑन करते ही F12 कंटिन्यू प्रेस करना है, फिर आपको बूट मेनू में आ जाएंगे। तो बूट मेनू किस लिए आते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसे बूट करवाना है, तो हम लोग को विंडोज इंस्टॉलेशन करना है, इसकी वजह से हम पेन ड्राइव से बूट करेंगे। जैसे कि बूट मेनू में देख सकते हैं दो तीन ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि NVMe करके WDC PC है। जैसे कि आपका ये मेरा NVMe का M.2 SSD 256 GB है इसमें, और USB मेरा सैंडिक्स पेन ड्राइव दिखा रहा है, और दूसरा एक PXE बूट जैसे कि लैन से बूट होने के लिए दिखा रहा है। तो आप लोग अपना पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, और जैसे कि आप लोग को फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लोडिंग फाइल्स करके। और जो इधर मेरे को अभी ऑप्शन आया था 64/32 bit, तो मैंने इस तरीके का पेन ड्राइव बना के रखा है, इसकी वजह से ऐसा किया। अगर आप में ऑप्शन आता है तो आप लोग 64 करना चाहते हो 64 कीजिए, अगर आपको 32 bit करना है तो 32 bit कीजिए। तो हम इस पर 64 पे क्लिक करके आ गए हैं, और यहाँ पर आप लोग को टाइम करेंसी चेंज करना है। तो अगर नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये टाइम करेंसी अगर चेंज कर लेंगे तो आपको फिर बाद में उधर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश इंडिया मैं कर लेता हूँ, इंग्लिश इंडिया, और ये अपना इंडिया में लैपटॉप रहेगा इंडिया के लोकेशन पे, इसके लिए मैं इंग्लिश इंडिया कर लिया, तो कीबोर्ड भी इंडिया ही सिलेक्ट होगा। और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ऐसा सेटअप स्टार्टिंग करके आएगा। ये मेरा थोड़ा फास्ट है, अगर आपके पास लाइसेंस की तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एडिशन दिखा रहा है आपको, तो आपको जो भी एडिशन करना है तो वो कर लीजिए, और हमको तो यहाँ पे प्रोफेशनल करना है, तो प्रोफेशनल को ये विंडोज 10 प्रो करके आ रहा है, तो प्रोफेशनल ही है, तो उसको मैं करूँगा, तो उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, इसको चेक मार्क करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देता है आपको, यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप में पहले से विंडोज़ था उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं, जिधर आपको फाइल और आपका सारा सेटिंग वगैरह सब वैसे रहेगा। और बट यहाँ पर मैं ये न्यू लैपटॉप है जो कि DOS था, इसके लिए मैं यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करके और इसको ये अपना अनलोकेटेड स्पेस करके दिखा रहा है, तो इसको न्यू करके मैं ओके कर दे रहा हूँ, तो ये ड्राइव बन जा रहा है। अभी तक अनलोकेटेड था, ये पार्टीशन वगैरह सब बन गया, तो इसमें मैं कोई पार्टीशन नहीं करूँगा। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे कि 8 GB इस लैपटॉप में ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा, तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।